हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसको लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स के किस ब्रांच में ये पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे और मैकेनिक्स का फर्स्ट ब्रांच जो कि काइनेमेटिक्स होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में। मतलब मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में आप लोगों को काइनेमेटिक्स पढ़ना था, जिसमें सिर्फ आपको मोशन के कंडीशन के बारे में पढ़ना था। जैसे कि कोई बॉडी रेस्ट में है या बॉडी कोई मोशन में है, अगर मूव कर रहा है तो उसके स्पीड के बारे में पढ़ना था, उसके वेलोसिटी के बारे में पढ़ना था, उसके एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना था, ठीक है, उसके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना था। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। लेकिन ये सारी चीज़ें हो क्यों रहा है, अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, देन दैट इज अनदर ब्रांच दैट इज नोन एज डायनेमिक्स। अब इसके बाद हम लोग डायनेमिक्स पढ़ते हैं। डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में, कि आखिर कहीं मोशन हो रहा है तो उसके पीछे कॉज क्या है। जैसे कोई चीज़ जो है वो मूव कर रहा है तो इसके पीछे क्या कॉज है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके पीछे क्या कॉज है, और वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके पीछे क्या कॉज है, किसी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके पीछे क्या कॉज है। ये पूरे कॉजेज को हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जैसे कि पढ़े थे कि मैकेनिक्स के दो ब्रांच होते हैं। मैकेनिक्स ब्रांच में आपको दो ब्रांच है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे अभी, और काइनेमेटिक्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। काइनेमेटिक्स क्या होगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कंडीशन के बारे में हम लोग अगर जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उस ब्रांच को काइनेमेटिक्स बोलते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको आ सकता है, जैसे हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज जो है हम लोग जो पढ़ रहे थे ये सब मोशन का कंडीशन है, ठीक है। किसी भी बॉडी के मोशन के कंडीशंस के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। लेकिन जो ये सेपरेट ब्रांच है डायनेमिक्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में। तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ कॉजेज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। ऐसे ब्रांच को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स, ठीक है। इसी ब्रांच को डिटेल्स में पढ़ना है तो इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉजेज है, कहीं भी कोई चीज़ मूव कर रहा है तो किस कारण से मूव कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक कॉजेज आपको बता देते हैं कि कोई भी चीज़ मूव कर रहा है उसके पीछे मेन कॉज है फोर्स का अप्लाई होना, ठीक है। और ये फोर्स बहुत ही अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उन टाइप्स के बारे में भी हम लोगों को इसमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो सबसे पहले कि कहीं भी कोई भी चीज़ अगर रुका है तो उसको अगर चेंज करना है उसके मोशन के कंडीशन को, तो आपको ये फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फोर्स क्या होता है। तो चलिए फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। और तो फोर्स क्या होगा, तो देखिए बेसिकली फोर्स को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स को बोल सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ पे धक्का लगा रहे हो या खींच रहे हो जिससे उसके किसी भी मोशन का कंडीशन चेंज हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स, ठीक है। मतलब फोर्स का अभी तो एक बेसिक डिफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लेंगे तब हम लोग इसके, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लेंगे तब इसका एक डिफिनीशन पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो तो कंडीशन बताएगा कि बॉडी का कंडीशन कैसा है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें डिफिनीशन देता है, और उस डिफिनीशन को भी पढ़ेंगे जो एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्स जो है वो क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुल करते हैं या पुश करते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे फोर्स। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन पुश अप्लाई
ऑन एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब ये फोर्स अगर कोई हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको किसी ना किसी तरह से मेजर कर सकते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया है और उसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें फोर्स के, तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है डाइन। ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, डाइन, इसको कैपिटल डी से नहीं लिखेंगे, डायरेक्टर हो जाएगा। डाइन ऐसे ही फुल फॉर्म ही लिखते हैं। तो चलिए, डाइन क्या होता है देखिए, 1 न्यूटन जो फोर्स होता है इसमें 1,00,000 डाइन होता है, मतलब 10^5 डाइन होता है। ठीक है, किसी को अगर आप न्यूटन बोल रहे हैं तो समझिए आप क्या बोल रहे हैं, 10^5 डाइन बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं और फोर्स को मेजर करते हैं। लेकिन ये फोर्स दो टाइप्स के हैं और वो दो टाइप्स के फोर्स को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि फोर्स के कितने टाइप्स हैं और क्या क्या टाइप्स हैं। देखिए, बेसिक फोर्स को हम लोग दो टाइप्स में डिफाइन किए हैं। एक को बोलते हैं बैलेंस फोर्स और दूसरे को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ये दो तरह के फोर्स को हम लोग डिफाइन किए। बैलेंस फोर्स क्या होगा? जब किसी भी बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो, इस तरह से अप्लाई हो कि उनका नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट फोर्स जीरो कैसे? मतलब टोटल फोर्सेस का जो वेक्टर सम हो वो जीरो होना चाहिए, स्केलर सम नहीं। हम बात किए थे वेक्टर और स्केलर की। वेक्टर जो होते हैं वो क्वांटिटी होती है जिनको डायरेक्शन के साथ जोड़ा जाए। तो ये क्या होता है, फोर्सेज, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसका जो सम लेंगे हम लोग वेक्टर सम लेंगे। ठीक है, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए हम लोग इसका सम वेक्टर सम लेंगे। तो बैलेंस फोर्स क्या होगा? इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड, फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी सच दैट, नेट फोर्स बिकम जीरो, देन दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स। तब हम लोग ऐसे फोर्स को बैलेंस फोर्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ब्लॉक है और इस पे इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस अपोजिट डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। देखिए कैसे नेट फोर्स जीरो हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर डायरेक्शन के साथ कैलकुलेटेड होता है। अगर आपको इसको पॉजिटिव 10 लेके रहे हो, इसको प्लस 10 ले रहे हो, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस लेना होगा, और जब दोनों को आप सम करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये F1 है, अगर ये F2 है तो इस केस में F1 और F2 क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन अगर F2 को इधर लाएं तो F1 में से F2 को माइनस कीजिए तो क्या हो जाना चाहिए? नेट फोर्स होना चाहिए जीरो। एक्चुअली यहाँ पे माइनस कब हुआ है? एक्चुअली हम लोग इसको ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन ये वेक्टर एडिशन है। आपको बताया था वेक्टर एडिशन विथ साइन किया जाता है, साइन के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, F1 प्लस F2 ही किए हैं, तो F1 प्लस F2 के लिए डायरेक्शन को चेंज कर दिए, माइनस F2। अगर इसको प्लस ले रहे हो तो इसको अपोजिट डायरेक्शन को आपको माइनस लेना होगा, ये वेक्टर का रूल है। तो ये इसलिए ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है यहाँ पे, F1 माइनस F2। अगर ये जीरो आ गया तब समझिए ये बैलेंस फोर्स है, अगर जीरो नहीं आया तो वो होगा अनबैलेंस फोर्स। तो चलिए अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? इफ अनइक्वल फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी सच दैट नेट फोर्स इज नॉट
इक्वल टू जीरो देन दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसे फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। मतलब इसमें अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, कितना भी फोर्स लग सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है और इसमें इधर से लगा दिए इतना बड़ा फोर्स और इधर से लगाए छोटा सा फोर्स, मान लीजिए F2। अगर F1 और F2 इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स। मतलब F1 में से F2 को अगर माइनस किए तो ये जीरो नहीं आना चाहिए, यही कंडीशन है अनबैलेंस फोर्स का, अनबैलेंस फोर्स होने का यही कंडीशन है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि किसी बॉडी के मोशन के कंडीशन को कौन सा फोर्स चेंज कर सकता है, तो आप क्या सोचोगे, क्या बोलोगे। देखिए बैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे लगाया जा रहा है, जैसे ये बॉडी है इस पे इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और दूसरा आदमी भी इधर से 10 ही न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये बॉडी अपने रेस्ट के पोजीशन को चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर ये मूव कर रहा है और इधर से कोई 10 न्यूटन लगा दिया और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, तो वो फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और ये बॉडी मूव करता रह जाएगा, ये नहीं रुकेगा। मतलब बैलेंस फोर्स कभी भी मोशन के कंडीशन को चेंज नहीं करता है। मोशन के कंडीशन को कौन चेंज कर सकता है, अनबैलेंस फोर्स। तो लिख सकते हैं, लिखेंगे बैलेंस फोर्स मोशन के कंडीशन को कौन चेंज करेगा, अनबैलेंस फोर्स। लिख लीजिए अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी के कंडीशन, मोशन के कंडीशन को कौन चेंज कर सकता है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अनबैलेंस फोर्स तो मोशन के कंडीशन को चेंज कर ही सकता है, लेकिन हर अनबैलेंस फोर्स मोशन के कंडीशन को नहीं चेंज कर सकता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कार है और इस कार में आप बैठे हो, ठीक है, इस कार के अंदर आप बैठे हो, तो जब आप इस कार के अंदर से अगर इसको धक्का दोगे, मान लो कि ये कार का सीट है और इसके अंदर बैठ करके आप अगर इसको धक्का दे रहे हो, तब क्या होगा, क्या ये कार चलेगा। मान लीजिए ये कार शुरू में रुका हुआ था और इस कार में आप अंदर से धक्का दे रहे हो, तो क्या ये कार चलेगा, नहीं चलेगा। या फिर आप इसको पकड़ के खींच रहे हो बाहर की तरफ, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मान लीजिए आप लोग बस में, जो स्कूल बस होता है उस स्कूल बस में आप सब लोग बैठे हो, ठीक है, और इस स्कूल बस में सीट पे सब लोग अपने अपने सीट को पकड़ के खींच रहे हो पीछे की तरफ, सब लोग अपने अपने सीट को पकड़ के पीछे की तरफ खींच रहे हो ताकि बस रुक जाए। क्या रुकेगा, बोलिए, नहीं रुकेगा। इसके पीछे रीजन है कि आप सब अंदर से फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फिर अब अगर आपका, मान लीजिए कि कभी आप जा रहे हो और आपका बस खराब हो गया, रास्ते में आपका बस खराब हो गया और जो ड्राइवर है वो बोला कि सब लोग ऐसा करो बच्चों, आप लोग सब लोग अपने सीट को पकड़ के धक्का दीजिए, तो अगर आप अपने सीट को पकड़ के धक्का दोगे तो क्या बस आगे बढ़ेगा, क्या स्टार्ट हो पाएगा। कभी कभी बस खराब हो जाता है तो हम धक्का दे करके उसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या इस कंडीशन में सारे बच्चे अगर अंदर से धक्का दे रहे हैं तो क्या स्टार्ट होगा, जी नहीं, स्टार्ट नहीं होगा। फिर ड्राइवर बोलेगा कि अच्छा बच्चों ऐसा करो, आप सब नीचे उतर करके और फिर धक्का दो, फिर आप जब धक्का दोगे तब ये बस स्टार्ट होगा, यानी कि आप सब जब बाहर निकल के फोर्स लगाएं तो इसका फोर्स का इफेक्ट कुछ अलग ही था। मतलब सब लोग जब बाहर निकल गए और फोर्स लगाए तब इसका फोर्स का इफेक्ट कुछ अलग था, तो बाहर से फोर्स लगाने पे ये बस आगे जाने लगेगा, उस तरफ बाहर से फोर्स लगाने पे ये कार आगे जाने लगेगा। तो आगे जाने के लिए मोशन में चेंजेस करने के लिए आपको बाहर का फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी है। तो किसी भी बॉडी के मोशन के कंडीशन को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए, लेकिन वो कैसा एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, अनबैलेंस। तो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे फोर्स के जगह पे थोड़ा सा चेंजेज कर देंगे एक्सटर्नल फोर्स, हालांकि अनबैलेंस फोर्स तो होना ही चाहिए, लेकिन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, चलिए एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है,
ये नहीं दिख रहा है, चलिए इसको हम लोग अच्छे से कर लिख लेते हैं। अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है इसको समझिए। किसी भी बॉडी पे अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, बाहर से अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और बाहर का ही फोर्स आपको अगर अनबैलेंस है तो बॉडी मूव कर पाएगा। द फोर्स अप्लाइड आउटसाइड द बॉडी outside the body it's called external force। इसी तरह से जो अंदर से होगा inside the body that is internal force। तो चलिए इस तरह से हमें पता चला कि किसी भी चीज में motion का cause है force, और किस तरह का force external और unbalanced force रहेगा वही क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी के कंडीशन को चेंज कर सकता है, मोशन के कंडीशन को चेंज कर सकता है। चलिए देख लेते हैं कि और क्या क्या जरूरतें हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें इस चीज को, अब एक टर्म आएगा आपको इनर्शिया। इस इनर्शिया को सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था और उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में बताया था इसको, ठीक है। अब इसमें उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको दो एक्सपेरिमेंट किए, एक सिंगल स्लाइडिंग एक्सपेरिमेंट किए। सिंगल स्लाइडिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक इस तरह से स्लाइडर लिया और इस पे एक बॉल को यहाँ पे छोड़ दिया। मान लीजिए कि इस बॉल को छोड़ेंगे तो आप बताइए कि क्या होगा, बॉल का क्या स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। स्पीड बढ़ेगा, हम लोग जानते हैं कि नीचे की तरफ जी लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी के कारण इसका स्पीड बढ़ जाएगा। और यही पे अगर एक और इंक्लाइंड ऐसे जोड़ देते हैं, मान लीजिए तो इधर जब बॉल जाने लगेगा तो इसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे इसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है, जब इंक्लाइंड ऐसे है मतलब कह सकते डाउनवर्ड तो स्पीड इंक्रीज करता है, और जब इंक्लाइंड ऐसे है ऊपर की तरफ तो डिक्रीज करता है, ठीक है स्पीड। मान लीजिए कि इधर से नीचे से ऐसे धक्का दे दिए इस बॉल को, ये नहीं भी रहा ये अलग अलग है मान लीजिए, तो इस यहाँ से बॉल को धक्का दिए तो जाते जाते जिस स्पीड से जाएगा उस स्पीड से तो ऊपर नहीं जाएगा, जाते जाते यहाँ रुक जाएगा, मतलब स्पीड डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे अगर इसको छोड़ रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है। अब इसी बॉल को अगर हम किसी ऐसे सरफेस पे छोड़ दें तो क्या होगा। अब यहाँ पे आपको कहोगे कि सर ऐसे जाएगा रुक जाएगा, बट नहीं, रुकने के लिए क्या चाहिए, स्पीड कम होना चाहिए। और स्पीड कहाँ और कम हो रहा है, ऐसे सरफेस पे। इसको ध्यान से समझिए, ऐसे सरफेस पे जब ये चढ़ना शुरू हो जाएगा तब जाकर के इसकी स्पीड कम होगी, और कम होगी तभी तो रुकेगा। और ऐसे सरफेस पे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो कभी नहीं रुकेगा। हम लोग जान रहे हैं कि बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और मान लीजिए कि यहाँ से पहले से इसको छोड़ दिए तो ऐसे इंक्रीज करते चला जाएगा स्पीड, और इस तरह से अगर डिक्रीज करना है तो इस पर अगर फेंक दिए तो ये जा कर के डिक्रीज हो जाएगा और कहीं रुकेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब डाउनवर्ड है तो उस कंडीशन में स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज स्पीड। और जब अपवर्ड है स्लाइडिंग तो क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्पीड कम हो रहा है। तो जब ये ना डाउनवर्ड रहे और ना अपवर्ड रहे तो स्पीड यूनिफॉर्म रहेगा। इस कंडीशन में इसका स्पीड हर जगह सेम रहेगा, मतलब इस तरह से, क्योंकि रुकने का कंडीशन क्या है, ऊपर जाना चाहिए, ऐसे रुकने का कंडीशन क्या है, ऊपर जाना चाहिए। और सीधा चला गया इसका मतलब इसका यहाँ पे स्पीड क्या रह जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि हमने कहा है कंडीशन लगा दिए हैं कि अगर ऐसे आ रहा है तब तो इसका स्पीड इंक्रीज करेगा, और अगर ऊपर जा रहा है तो स्पीड डिक्रीज करेगा, और दोनों ही चीज़ें फोर्स के कारण हो रहा है। लेकिन ये ऐसे अगर चल रहा है और कभी भी ना ऊपर गया, ना इस नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, अगर सेम लाइन पे जा रहा है ऐसे, तो इस तरह से इसका स्पीड कैसा रह जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड रह जाएगा। यही गैलीलियो ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बताया था। हालांकि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
तो गैलीलियो का जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था वो था, गैलीलियो का सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया था कि अगर हम एक इंक्लाइंड कुछ इस तरह से ले लें, या इस इंक्लाइंड को आप ऐसा कर दीजिए, एक ऐसा इंक्लाइंड ले लिए, तो यहाँ से किसी बॉल को अगर हम छोड़ते हैं तो ये बॉल ऐसे आएगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, फिर आकर के यहाँ पे आकर के रुक जाएगा। इन्होंने कहा कि ये समझ लीजिए कि जो हमारे पास एक जो बांस का होता है उसी को हमने ऐसे बना लिया है फट्टा, और यहाँ से छोड़े ऐसे जा रहा है, यहाँ पे चला गया, और फिर इसको धीरे धीरे इसको कम करते गए। अगली बार इसको क्या किए, इसको थोड़ा सा ऐसे किए, तो इस बार बॉल यहाँ जाएगा और रुक जाएगा। अगली बार इसको थोड़ा सा और कम कर दिए, इस बार बॉल यहाँ तक चला जाएगा, और ऐसे करते करते एक बार ऐसे कर दिए, मतलब सुनिए ध्यान से, रुकने के लिए इस हाइट पे पहुँचना ज़रूरी है। यहाँ से जब छोड़ रहे हैं तो बॉल जब यहाँ रुक रहा है तो रुकने के लिए इस हाइट पे पहुँचना ज़रूरी है। अगर बॉल कभी भी इस हाइट पे नहीं पहुँचेगा तो ये क्या ये बॉल कभी रुकेगा, तो ये बॉल कभी नहीं रुकेगा। ये सारे चीज़ हम लोग ग्रेविटी को नेगलेक्ट करके बातें कर रहे हैं, मतलब रुकने का क्या कंडीशन है, इस हाइट पे पहुंचना। अगर बॉल ऐसा चला गया तो बताइए क्या कभी ऐसे जाता हुआ बॉल इस हाइट पे पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब ये बॉल कभी नहीं रुकेगा, और इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, किसी भी बॉडी के वो मोशन का वो कंडीशन जिसके कारण वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहे, उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, मतलब ये बॉडी के अंदर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने कंडीशन ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, अब कैसे कंटिन्यू रखता है, मान लीजिए कि ये इस पे कभी पहुँचेगा ही नहीं तो मूव करते रहेगा, तो इसी को बोला गया, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको डबल स्लाइडिंग एक्सपेरिमेंट बोला गया गैलीलियो का। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, यो डबल स्लाइडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें शर्त क्या था कि अगर बॉल यहाँ पहुँचेगा तब रुक जाएगा, अगर कभी इस हाइट को अटेन नहीं किया देन बॉल नेवर रीचेज। ठीक है, तो लिखेंगे टू रिड्यूस स्पीड ऑफ बॉल एंड कम्स इन रेस्ट इट हैज अटेंड सम हाइट, कुछ हाइट किया होगा जैसे फिगर में दिखाया गया है। अगर ये किस हाइट को कभी अटेंड नहीं किया तो ये कभी नहीं रुकेगा। इफ बॉल डज नॉट अटेंड दिस हाइट दैट मीन्स दिस हाइट दैट मीन्स बॉल नेवर कम्स इन रेस्ट। तो बॉल कभी भी रेस्ट में नहीं आएगा, यही उन्होंने कहा था, और इसी कंडीशन को हम लोग इनर्शिया का कंडीशन कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं कि इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया का डिफिनेशन। चलिए, तो इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, मतलब लिख सकते हैं इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट रिमेंस इन रेस्ट और कीप मूविंग when it is in motion। This is called inertia। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, This is called inertia। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ऐड होगा तो फर्स्ट लॉ होगा, इसीलिए आप समझिए इसको क्या कह रहा है। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच
इट रिमेन्स इन रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहता है, ठीक है, अगर रेस्ट में है तो, व्हेन इट इज इन रेस्ट। इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, व्हेन इट इज इन रेस्ट, जब ये रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और जब मूव करता है तो मूव करना ही चाहता है, इसी कंडीशन को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक बॉडी को यहाँ पे रख के छोड़ दिए 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट के बाद देखेंगे ये बॉडी अपने पास उसी पोजीशन पे रहेगा, इसको बोल सकते हैं कि ये बॉडी के पास इनर्शिया है रेस्ट का। अब इसके इनर्शिया का जो टाइप होता है वो तीन टाइप्स का होता है, जैसे कि आप इसको फील कर सकते हो, जब आप कभी बाइक से जाते हो तो बाइक अगर रुका हुआ रहता है और अचानक से बाइक चलता है तो आप पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो जब बाइक अचानक से चलता है तो बाइक क्या होता है कि आगे बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये बाइक है, बाइक पे आप बैठे हो, तो जैसे ही आप अचानक से आगे की तरफ जाएगा तो आपका बॉडी नीचे का पोर्शन मोशन में आ गया और ऊपर का बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है तो रेस्ट में ही रह जाता है, तो नीचे का पोर्शन आगे चला जाता है और ये ऊपर का पोर्शन पीछे की तरफ लगता है कि आपको पीछे की तरफ झटका लगा, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब रेस्ट को इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया को, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो थर्ड है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन तरह के मोशन इनर्शिया के टाइप्स को डिफाइन किया गया है। तो ये तीनों टाइप्स क्या क्या हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको बोलेंगे, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर वो रेस्ट में ही रहना चाहे तो उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, a body in rest remains in rest until an external force applied on it, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे मान लो कि आप बाइक पे बैठे हो, अब बाइक का तो पिक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मान लो यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे आपका दोस्त बाइक चला रहा है, ठीक है। अब जैसे ही दोस्त आपका बाइक पहले रुका हुआ है अचानक से चलेगा, आप पीछे की तरफ जाओगे, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही होता है। मतलब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ट्रेन जा रही है, आपको आवाज नहीं दे रहा होगा, स्टेशन के पास ही है हमारा, तो इसलिए आपको डिस्टर्बेंस होता है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब आपको कोई फल वगैरह तोड़ना रहता है, जैसे आम वगैरह तोड़ना है, तो आप जा करके जैसे ही उसके पेड़ को हिलाते हो तो जो पके हुए आम हैं वो जल्दी गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, पत्तियाँ या आम गिर जाता है, इसके पीछे रीजन, जब अचानक से उसको सेक करते हो ब्रांचेज को, तो देखिए क्या होता है, उसके साथ ब्रांचेज के साथ जो है ऐसे चिपका हुआ है फल, लेकिन आप क्या करते हो इसको हटा देते हो, आपने ब्रांचेज के साथ कर दिया धोखा। जैसे ही इसको हटा देते हो ये बेचारा रेस्ट में रहता है और ये नीचे गिर जाता है। उसी तरह से जब आप मैट है डोरमैट वगैरह, तो उससे धूल निकालने के लिए आप जब उसकी पिटाई करते हो डंडे से, तो क्या होता है कि सारा धूल बाहर आ जाता है, तो आपको लगता है कि जब पीटे तब धूल बाहर निकल रहा है, एक्चुअली नहीं, जैसे आपने उसको पीटा तो ये चला गया मोशन में और धूल बेचारा वहीं रह गया, क्योंकि उसको रेस्ट में रहने का कंडीशन है, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसका, तो वो क्या करेगा, वो रेस्ट में ही रह जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि आपका कारपेट जो था वो बाहर चला गया, मतलब मोशन में आ गया, तो धूल यहीं पर रह जाएगा और इसके साथ धोखा हो गया, सारा धूल बाहर निकल जाएगा। तो ये भी कंडीशन है आपको, इसी को हम लोग बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं द लीफ फॉल्स व्हेन वी सडन शेक द ट्री ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
ये किस कारण से होता है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण से, ठीक है। और भी बहुत सारे जो अभी बताए, ठीक है। द डस्ट कम्स आउट व्हेन वी बीट कारपेट, ठीक है, ठीक है। जैसे ही हम लोग कारपेट को बीट करते हैं तो डस्ट आ जाता है ड्यू टू इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ये भी क्यों होता है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण, ठीक है। जो बाइक है उसका भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब एक आपको एनसीईआरटी के बुक में इसका एग्जांपल दिया है कि ऐसा एक ग्लास है और इस ग्लास के ऊपर एक ऐसा का एक रख दिए हैं पेपर या कोई आप कह सकते हो कार्ड, और इसके ऊपर एक क्वाइन रखे हैं, ठीक है। और अचानक से इसको अगर हम मोशन में ला देते हैं तो ये क्वाइन क्या होगा, ग्लास में गिर जाएगा। तो ये क्यों हुआ, ये इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण। इसको आप मोशन में ला दिए लेकिन ये अभी भी रेस्ट में रह रहा है, तो इसीलिए रेस्ट में रहने के कारण ये चला जाएगा ग्लास के अंदर, ठीक है। आप देखते हो जब कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हो तो कैरम बोर्ड में जब स्ट्राइकर ऐसे बहुत सारा रहता है तो जैसे ही आप काफ़ी हाई फोर्स के साथ जब भेजते हो तो ये अगर निकल जाता है और सब यहीं पे गिर जाता है, जिस पे स्ट्राइक हुआ वो मोशन में आ गया, बाकी सब नीचे वहीं पे गिर जाते हैं। तो ये सब कंडीशन है इनर्सिया ऑफ रेस्ट का, चलिए, ठीक है। वो बाइक से लेकर ये सारा कंडीशन है इनर्सिया ऑफ रेस्ट का। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इनर्सिया ऑफ मोशन। सेकेंड कंडीशन है इनर्सिया ऑफ मोशन। अब देखिए इनर्सिया ऑफ मोशन क्या है, आपने देखा होगा कि जब आप कभी बाइक से चल रहे हो और अचानक से बाइक ब्रेक लेता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बाइक ऐसे चल रहा है, अचानक से बाइक रुक गया, आप चल रहा है तो बाइक के साथ आपका पूरा बॉडी क्या है, अभी मोशन के कंडीशन में है, मोशन में है। लेकिन अचानक से बाइक रुक गया तो बाइक रुकेगा तो देखिए क्या होगा, अचानक से बाइक रुका तो आप आगे की तरफ जाओगे। जैसे अचानक से बाइक रुका तो बाइक तो रुक गया तो आपका नीचे का पार्ट रुक गया लेकिन ऊपर का पार्ट अभी भी मूव करना चाह रहा है, तो ऊपर का पार्ट मूव करने के कारण आप आगे की तरफ ऐसे आगे की तरफ गिरते हो, आगे की तरफ झुक जाते हो। तो ये कंडीशन है इनर्सिया ऑफ मोशन के कारण। मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है ना तो वो मूविंग रहेगा कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए रोकने के लिए। तो आप क्या करते हो, सामने पकड़ते हो तब जाके आप रुकते हो, नहीं तो आप गिर जाओगे। एक और एग्जांपल है, आप जब ट्रेन वगैरह से जाते होगे तो ट्रेन पे जो बेचने वाले आते हैं आप देखते होगे, जब वो उतरते हैं तो थोड़ा दूर दौड़ते रह जाते हैं, मतलब स्टेशन पे उतरे हैं तो थोड़ा दूर वो दौड़ते हुए आगे चले जाते हैं। इसके पीछे भी रीजन यही है इनर्सिया ऑफ मोशन का ही। अगर वो नहीं दौड़ेंगे ना तो उनका पूरा बॉडी जो है मोशन की कंडीशन में है, और जैसे ही वो उतरेंगे तो जैसे ही उनका बॉडी आया, जैसे उनका पैर जमीन पे आएगा तो पैर तो रुक गया लेकिन पूरा बॉडी मोशन में है और काफ़ी हाई स्पीड से मोशन में रहता है ट्रेन के स्पीड से। तो क्या होगा कि हाई स्पीड से बाहर की तरफ, मतलब आगे की तरफ फेंका जाएंगे वो। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे दौड़ते रहते हैं, समझ में आया। तो जब तक हम ट्रेन में रहते हैं तो कभी हमें फील नहीं होता है कि हम ट्रेन जब चल रही होती है तो हमको पता नहीं चलता है, जब तक हम बाहर या जमीन को नहीं देखें तो हमको पता नहीं चलता है कि ट्रेन चल रही है, लेकिन जैसे रुकता है तो पता चलता है। इसका मतलब किसी भी चीज़ का मोशन का कंडीशन जब उसके मोशन में चेंजेज आएगा तब पता चलेगा। अर्थ जो है वो घूम रहा है अपने पोजीशन पे, फिर भी हमें नहीं पता चल रहा है कि अर्थ घूम रहा है कैसे, हमें नहीं फील होता है। लेकिन जिस दिन अर्थ रुक गया या थोड़ा सा भी इसके स्पीड में चेंजेज आएगा, सब लोग बाहर की तरफ फेंकाएंगे, फिर पता चलेगा अच्छा अर्थ तो घूम रहा था। ये सब कंडीशंस है मोशन के। तो इनर्सिया ऑफ मोशन क्या होगा, कोई भी बॉडी अगर वो मोशन में है तो क्या करेगा, मोशन में ही रहना चाहेगा, उस कंडीशन को हम लोग इनर्सिया ऑफ मोशन बोलते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ए बॉडी इन मोशन कीप मूविंग अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख सकते हो, इसके एग्जांपल यही हो सकता है कि जब हम बाइक अचानक से रुक जाता है तो हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं,
या जब हम बस से या किसी ट्रेन से उतरते हैं तो हम बस के डायरेक्शन में ही हमें थोड़ा दूर आगे दौड़ना चाहिए। ये सब कंडीशन है इनर्शिया मोशन का, मोशन के कारण ये सब चीज़ें हम लोगों को फील होता है। कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में जब आएगा तो उस मोशन को चेंज होने का जो फीलिंग है वही फील होगा। तो चलिए लिखते हैं, लिख सकते हैं वी मूव फॉरवर्ड व्हेन बाइक अप्लाइज लाइक ब्रेक्स, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं कि बस में जैसे उतरते हैं वी शुड रन इन द डायरेक्शन ऑफ बस, इन द डायरेक्शन ऑफ बस बस इफ वी जंप फ्रॉम बस, और ये एक डेंजरस एक्ट है तो कृपया इसको सावधानी से करें, ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब तीसरा कंडीशन देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो चलिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं आपसे, इसी से समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए एक बस है ऐसे, और इस बस पे मान लो कि बहुत सारे बाराती लोग जा रहे हैं, आप समझ जाओ ना, बाराती लोग बारात में जब जाते हैं पूरा ऊपर तक बैठ देते हैं, एकदम से बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है। तो मान लीजिए कि ऐसा, या समझ लो कि ऐसा लॉकडाउन हो गया अचानक से और सारे लोग ऊपर बैठे हैं ऐसे, और सब एक दूसरे को पकड़े हैं, बस को कोई नहीं पकड़ा है। ये बस जा रहा है हाई स्पीड में ऐसे सामने की तरफ, अचानक से पता चला बस का रास्ता ऐसे मुड़ा हुआ है, बस ड्राइवर सो गया है, अचानक से जाकर के बस ड्राइवर यहाँ से रास्ते को ऐसे मोड़ता है, इन लोगों का क्या होगा बताइए? क्या ये यहीं गिरेंगे, सामने की तरफ चले जाएंगे या इधर? तो इसका क्या होगा आंसर कि ये सारे लोग जैसे ही ये टर्न होगा ये आगे की तरफ फेंका जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा फील आप करते हो जैसे आप कार में बैठे हो और कार में अचानक से ऐसे कार को मोड़ते हो, तो जैसे कार ऐसे जा रहा है ऐसे मुड़ता है तो आप इस साइड खिड़की का साइड ऐसे धक्का लगता है आपको, तो धक्का कोई देता नहीं है, एक्चुअल में आपका बॉडी जो है सामने की तरफ मोशन में है, ऐसे मोशन में है, और कार ने मूव किया है। मान लीजिए ये कार है, ऐसे कार जा रहा है, आपका मोशन इधर है, जैसे ये मूव किया तो आप ऐसे सामने की तरफ खिड़की की तरफ ऐसे दबोगे, इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होता है। तो कोई भी बॉडी अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा जब तक कि उस पर फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। बॉडी ऑलवेज मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, इन स्ट्रेट पाथ अनलेस अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट में ही जाना चाहेगा। और हमारा बॉडी भी स्ट्रेट में जाना चाहता है लेकिन कार मुड़ गया तो हम क्या होते हैं, ऐसे इधर की तरफ धक्का लगता है। तो ये सब कंडीशन होता है आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। चलिए तो यहाँ तक आपको रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ऐसा नहीं है एग्जाम्पल बोले एग्जाम्पल नहीं लिखवाए सर, एग्जाम्पल लिख सकते हो जो अभी एग्जाम्पल बताए, ठीक है। वी मूव्स टूवर्ड्स विंडो इफ कार टर्न्स, जब हम कार में हैं कार टर्न होता है तो विंडो की तरफ गिरते हैं, ये सब एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। चलिए तो हम लोग इसको फिर से कल पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते रहिए और नोट्स बनाइए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए ये लैंग्वेज